क्या नाम है मैम आप बताएं? कोमल देवी। अनीता, आप लोगों को क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस की। कांग्रेस की। हाँ, आपको क्या लगता है? हम भी चाहते हैं कांग्रेस आए। कांग्रेस आए, और आप? कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस इसलिए आनी चाहिए, हमारे जम्मू में कुछ किया ही नहीं बीजेपी ने, इसलिए हम अपने जम्मू की बात करेंगे। जम्मू में कुछ नहीं किया, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं किया बीजेपी ने। वैसे बेरोजगारी, प्रॉपर्टी टैक्स, ये वो सब चल रहा है, ये चीज़ें पहले थी नहीं, अब प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, ज़मीनें निकल रही हैं, और क्या जम्मू वाले क्या करेंगे, ऐसे परेशान हो रखे, हमें तो कांग्रेस ही चाहेंगे ना, जिसने हमें इतना कुछ दिया। तो आपको लग रहा है कांग्रेस आएगी तो वहाँ पे आपके लिए करेगी कुछ? हाँ लगता है। लगता है। हाँ, पहले किसकी सरकार थी? पहले भी कांग्रेस की रही, बीच की उन्होंने। हाँ, करते थे, सब ठीक था कांग्रेस के टाइम। और देखिए मोदी जी, क्योंकि आपके ही देश के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अपने ही देश के लोग हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पे कांग्रेस की सरकार चाहिए, और क्यों चाहिए वो भी आपको सीधा सीधा बता रही हैं। आप बताइए, इतना मोदी जी से नाराजगी क्यों है? हमें ये पॉलिटिशियन से नाराजगी है कि जो एक दूसरे को पॉलिटिशियन जैसे कहते हैं कि हाँ ये कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही, कांग्रेस कहती है बीजेपी अच्छा नहीं कर रही। पहले भी 75 साल में कांग्रेस ने राज किया, आज तक ये कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस ने कुछ बोला होगा बीजेपी के बारे में, कभी कुछ नहीं बोला। पर अब ये सरकार बनी है बीजेपी के, मतलब बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बोलती है, वो गलत बात है। जैसे सरकार चलती वैसे चलानी चाहिए, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, ठीक है ना, सिंपल सरकार चलाओ आप। यही है। और आपको क्या लगता है? हमें भी यही लगता है, वो बस रोड शोड बना रही है, बाकी तो आम लोगों को तो झटका लगाया उन्होंने। वहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या महंगाई का क्या दौर चल रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, पहले से ज्यादा बिजली के बिल बढ़ गए हैं, महंगाई, प्रॉपर्टी टैक्स, और इनकम तो है ही नहीं है, रोजगार नहीं है, कहते नौकरियां देंगे, आज निकलता है टेस्ट, बच्चे पेपर देते हैं, दूसरे दिन वो कैंसिल हो जाता है, बच्चे क्या करें, पढ़े लिखे बच्चे खज्जल हो रहे हैं। नौकरी तो कभी आज तक तो जब से 370 हटी है, एक भी नौकरी नहीं बीजेपी ने दी है। अच्छा, 370 हटने के बाद बीजेपी ने एक भी नौकरी लोगों को, फॉर्म नहीं निकला, जो निकलता है वो बस स्टे लग जाता है, स्टे लग जाता है उस पर, बिल्कुल। हम नहीं कहते कि ठीक है मोदी ने किया, कुछ काम भी किया, अच्छे भी किए हैं, ये नहीं कहते हमने सारा मोदी ने गलती किया है, मोदी जी ने अच्छा भी काम किया, पर ये है कि हर चीज़ को देखा उन्होंने, इधर ही देखा, जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं देखा, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं देखा, इधर देखा होगा हमें नहीं पता, हम तो आए घूमने। पहली बार आप यहाँ पे आए? पहले बार आ चुकी हैं? दो बार आए हम, दो बार। पिछली बार कब आई थी? पिछली बार 2005 में आए थे हम लोग, है ना, साथ में। अच्छा, 2007 में आई थी, और अभी 2023 चल रहा है ना, तो 2007 और 2023 में कितना चेंज लग रहा है आपको ये बनारस? तो हुआ है काफी, बनारस चेंज हुआ है, बनारस। हाँ, चेंज हुआ है। साफ सफाई वगैरह? मैंने तो पहली बार आई हूँ। पहले मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अभी फर्स्ट टाइम जी, पहले बहुत बढ़िया। सर क्या नाम है आपका? मेरा कमल कुमार नाम है, तिलकराज। अच्छा, तो बीजेपी वहाँ के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, और पूरे देश में कई जगहों पर डिमांड है, नहीं बीजेपी ही 2024 में आनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है, केंद्र में बीजेपी सही है या फिर केंद्र में कोई और होना चाहिए? नहीं, केंद्र में तो सही है बीजेपी, केंद्र में सही है, बिल्कुल। जैसे ये कहते, मैं तो केंद्र में भी कांग्रेस ही चाहती हूँ, केंद्र में भी। जो योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या लगता है, क्या सोच है? मैंने अभी उसके बारे में कभी कुछ न्यूज नहीं सुनी, कभी मैं उसके बारे में सुनती नहीं हूँ। हाँ। मैंने नहीं कभी सुना उसके बारे में। मैंने सुना। आपको क्या लगता है? मैंने भी कभी नहीं, ऐसे हम किसी पॉलिटिक्स में हम पढ़ते नहीं है, सुनते ही नहीं है, उनके बारे में कुछ सुना भी नहीं हम लोग, ना कभी उसके बारे में कोई बात करते। ये है कि ये सेंटर की है, जो हम उधर बैठे हैं, हम देखते हैं न्यूज में ये हो रहा है वो हो रहा है, वो चीज़ें नहीं, मैंने ये चीज़ एक बात तो है। देखिए, सर से ज़्यादा तो मैम इंटरेस्ट ले रही है पॉलिटिक्स में, कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए, ये चीज़ें देखिए मैम बता रही है। इलेक्शन आने पर इनको खड़े करेंगे जरूर। और यकीन मानिए मैम, आप जब अगर सीएम बनी आप वहाँ की, जम्मू कश्मीर की, तो सीएम बनूंगी क्यों नहीं बन सकती? लोकतंत्र है। अभी हम बात कर रहे थे सर से, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, आप भी बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं, जिनकी जो मर्जी कर सकता है वो। जब अगर बंदा सोचे, मैंने ये चीज़ें हमने कभी नहीं सोचा कि पॉलिटिशन में जाना, ये करना, वो चीज़ ऐसा कुछ नहीं है। विचार करिए। अभी कैसे विचार नहीं करूँगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है मैम? सुनीता मैम, क्या बात है। और आपका? मेरा सीमा। कहाँ घर है आप लोगों का? पंजाब से की बात है। हाँ, और पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है अभी? केजरीवाल है। भगवंत मान जी। कैसा काम चल रहा है वहाँ? बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री केजरीवाल अगर रहे तो सही रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, पंजाब की सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्थाएं हैं? आप लोगों को तो पता होगा सरकारी स्कूल में कैसा क्या है। सरकारी स्कूल अच्छा है या फिर वही हालत है?
नहीं, पहले से तो बहुत अच्छा हो चुका है अब तो। क्योंकि केजरीवाल जहाँ भी जाते हैं, मैंने देखा है दिल्ली के सरकारी स्कूल को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे ले गए और हर एक सुख सुविधाएँ दी, हर एक व्यवस्था दिया और कई लैंग्वेज में वहाँ पे पढ़ाया भी जाता है बच्चों को। हाँ जी, है ना। कहने का मतलब केजरीवाल से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए ये बता दीजिए। मेरा नहीं पता। आप बताओ। आम आदमी आनी चाहिए, जैसे अभी पंजाब में काफ़ी सुधार हो चुका है तो ऐसे ही आगे भी होना चाहिए। देख लीजिए केजरीवाल आपका तो बल्ले बल्ले हो गया फिर, है ना। और अरे ये केजरीवाल आप देखेंगे कैसे वीडियो को शेयर करिए ताकि केजरीवाल भी देखें।